गाइस, दूसरा दिन है आज चोपता चंद्रशिला ट्रैक का। अभी अराउंड 8:30 के करीब हम लोग निकले थे, नीचे जा रहे, फ्रेश वगैरह हो गए हैं ऑलरेडी। हाय YouTube चैनल, वेलकम टू माय गाइस। हेलो व्लॉग, वेलकम टू माय गाइस। शायरी थी, शायरी थी। एक बात कही उन्होंने अपनी, एक और बार हो जाए। पुराना साल गया, नया साल मुबारक। वाह वाह वा, क्या बात है। हाय हाय, पुराना साल को छोड़ देना है, आगे संकल्प लेना है। किसकी सरकार है यहाँ? बीजेपी। अरे करने दे उनको। बोलो अंकल। जो ठंडो पानी पहाड़, क्या बात है अंकल। जो ठंडो पानी, ले ठंडो पानी बांजा जड़ू, ठंडो पानी। क्या बात है अंकल, उनको सिखाओ थोड़ा। ले ठंडो पानी, ले उगाओ का रास्ता। ले ठंडो पानी, ले बगल सूखिए। ले ठंडो पानी, ले ठंडो पानी पी सालू पराना। ले ठंडो पानी, ले ठंडो पानी, यूं बांजा जोड़ू पे। ले ठंडो पानी, मजा आ गया। अरे हो गया, चलो चलो चलो, थैंक यू। पहले मिले नहीं यार, साथ वापस ऊपर साथ में चढ़ते यार। तो अभी नीचे आ गए, नेक्स्ट प्लान इज 10-15 मिनट आराम करेंगे, फिर निकलेंगे जो मेजर डेस्टिनेशन है चोपता। चोपता के लिए वहाँ पे तुंगनाथ जो एक केदार है वो मंदिर को विज़िट करेंगे, और फिर उसी के थोड़ा सा आगे चंद्रशिला ट्रैक। चंद्रशिला पीक पे से मोस्टली सारे मेजर माउंटेंस दिखा देते, तो दिखा था।
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. अभी डे टू में हम लोग और चंद्रशिला के लिए ट्रैक कर रहे हैं. सेम ट्रैक रूट है तुंगनाथ के लिए भी. और अभी फ़िलहाल हमने स्टार्ट किया था तकरीबन अराउंड एक घंटा हुआ होगा. और डिफ़िकल्टी वाइज ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट सेम कल के तरह थोड़ा एक कंसिस्टेंट स्पीड मेंटेन रखिए, कंसिस्टेंट स्पीड रखिए. और ये व्यूज़ देखिए आप, पहले व्यूज़ कुछ ज़्यादा ही ऑसम है. और अभी मैं आपकी गाइड से बात कर दूँगा कि कैसा रूट है, कितना टाइम लगेगा वगैरह वगैरह. दोस्त भी साथ में आ रहे हैं. शॉर्टकट ले रहे हैं हम लोग, एक छोटा सा ऊपर जाने के लिए. ऑर्डिनरी वे से नहीं जा रहे हम लोग, नहीं जा रहे कि स्नो है. मतलब हम लोग ने अभी कितना कवर किया, कितना टाइम लगा अभी आधा तो, और कितना टाइम पहले चालू कर देना चाहिए. वैसे तो हमको ये कम से कम 9 बजे से चालू करना चाहिए था. हाँ, बट हम थोड़ा ग्रुप बड़ा है हमारा, इसलिए थोड़ा लेट हो गया. तो इसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा हमको चंद्रशिला चढ़ने में, कम से कम अभी यहाँ से 2-2.5 घंटा. ओके, तो वैसे फाइनली कोशिश करेंगे हम चंद्रशिला चढ़ेंगे. हाँ, और कोशिश ये रहेगी जल्दी भी वहाँ से वापस निकलना है, अंधेरा हो जाएगा. अच्छा, ओके. तो अभी हमने कितना डिस्टेंस कवर किया रहेगा? हमने आधा कर लिया, आधा बाकी रह गया हमारे. ओके, और अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस है अपना नीचे से? चुपता यहाँ से होगा 2-2.5 किलोमीटर. 2-2.5 किलोमीटर बाकी रह गया हमारा. ओके जी, चलिए थैंक यू. तो जैसे कि हमने बोला, अपन ट्राई करेंगे पूरा कि चंद्रशिला पीक हम लोग समेट कर पाए. यहाँ पे स्नो है, अब स्नो में इसके लिए आपको रिकमेंड किया गया था कि आप ट्रैकिंग शूज़ यूज़ कीजिए, जनरल शूज़. यहाँ पर स्लिप होते हैं, आप गिर सकते हैं. जहाँ पे फिलहाल स्नो नहीं है वहाँ पे आप चलने की ट्राई कीजिए. स्नो में ट्रैकिंग शूज़ इवन स्लिप हो रहा है. हम लोग अभी ट्राई करें जहाँ पे स्नो नहीं है वहाँ से आराम आराम से निकल लें. आप देख पा रहे हैं
और देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर सा यहाँ पे पीक है। जो हमको पता है कौन सा शॉर्टकट अच्छा वाला है। नोटेड सर। ये और बाकी कहाँ रह गया हमारे दो जल्दी आ दर्शित जल्दी आ। साथ वाले देखो चढ़ रहे आजाद ये चट्टान चट्टान दर्शित आ रही है। सब लोग बोलो सब लोग बोलने की हालत में है नहीं चढ़ रहे चढ़ जाएंगे वो तो अच्छी बात है कि धूप निकली हुई है क्लियर स्काई है से इतना कुछ लग नहीं रहा है बट अब कभी प्रैक्टिस नहीं है कुछ एक्सरसाइज वगैरह नहीं चल रहा तो थोड़ा थोड़ा नहीं डिफिकल्ट है। अभी आजाद ऑलमोस्ट ये निकाल लेंगे बोले हाफ ऑफ द वे के ऊपर है यहाँ पे सीन आराम जा अरे क्या लुल्ली एक पोज हो गया एक्सपोज फोटो तो ले अच्छा हो तो मेरा इमेज नहीं बनाया तो प्रोटेक्शन नहीं लिया बराबर से आई ना मैं दिख रहा हूँ उसमें तो आ जा सुधांशु आई थिंक वी आर ऑन समवेयर द अर्थ समवेयर ऑन द अर्थ। देखो जिंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत होते हैं। हाँ अभी चढ़ाव है चढ़ा सुबह उतार है शाम को फिर चढ़ाव है शाम को निनाद साथ एक और राउंड होगा उतार चढ़ाव का जिसमें जिंदगी में मजे ले जाएंगे। करण को दो लोग लगेंगे आ जा पटपट करण पता नहीं लग रहा है बोल रहा क्या सोचते हैं भाई के हाथ में कुछ घुस गया है शॉर्टकट मार अपने दर्द दिखाते हुए आजाद ने अपने तीर लिया अपने उसमें जहां जगह थी इसके लिए उंगली मत कीजिए गाइस। हां और वो काफी आप उंगली का काम खराब हो गया उंगली करोगे तो ऐसा सब भुगतना पड़ेगा आपको। देखिए इसका मुंह देखिए शरीफ लगता है लेकिन उंगली बाज है। तू मत चल ले साथ में अबे नहीं बेटा रे हां आ जा आ जा उधर से पिंडी तो यार बना रहे उसको ऊपर का में सच में और इसको देखिए ये साहब हमारे थोड़ा थक गए ऐसा लग रहा है यहाँ रहे कम गिरेगा कैसा लग रहा है आपको अभी तक अच्छा लग रहा है क्लाइमेट तो अच्छा है फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे हैं टास्क लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है बट वी विल गेट इट चंद्रशिला तो जाना ही है नहीं यहाँ पे करण को ऊपर लेने का टाइम हो रहा है क्या बात है
सक्सेसफुली ऊपर ले लिया गया है सामान गाइस सामान ऊपर आ गया। वेलकम टू माय ब्लॉग, हम निकल जाते शॉर्टकट यहां से ना। गाइस से हाय टू माय ब्लॉग। स्टीप हो गया है सच बोलो गाइस, देखो ना थोड़ा सा गर्मी लगने लग गया, वो इसलिए क्योंकि फिजिकली अच्छा खासा पुल आउट हो रहा है और जो लेयरिंग्स मैंने पहनी है इसके लिए मैंने एक बॉडी वार्मर पहना है, एक फ्लीस टी शर्ट है एंड देन ये रेड वाला जैकेट है। देखते हैं लिटरली एग्जॉस्ट हो गया इसके लिए थोड़ा टाइम रुक गया, ऑलमोस्ट 70% डन है, 30% थोड़ा बाकी है। अभी एक्चुअली थोड़ा सा धूप लगने चालू हो गई और आई कैन फील स्वेटिंग, मुझे स्वेट भी हो रहा है और मज़ा बहुत आ रहा है, लेकिन यार मज़ा इस चीज़ की वजह से आप थक जाओगे, लेकिन आप ये चीज़ देख लोगे आप फिर से एनर्जेटिक फील करोगे। ट्रेनर खुल ले बोल रहे यहाँ से एक और घंटा लगेगा, कोई नहीं चल जाएंगे। अंजी ने बोला ये वाला कैंटीन जो है ये लास्ट है करके कि इसके ऊपर कैंटीन नहीं है आपको, तो अगर कुछ खाना वाना रहेगा तो आप यहाँ से ही ले लो और अप्रोक्स डिस्टेंस यहाँ से बाकी है वो है 1 किलोमीटर। देख अभी यहाँ का तो पहाड़ और मैगी ये चीज़ करनी चाहिए आपको, इसलिए 60 रुपये की मैगी 60 रुपीज़ कॉस्ट हुआ है मैगी का, वो काफ़ी अच्छा है, बुरा भी नहीं है। देखो दे कुछ भी 1 रुपया गिरा दिया उतर जाना जाम होना था बर्फत, हाँ बर्फत उतर जाना जाम होना था। लास्ट सेक्शन पे पहुंच गए हम लोग, ऑलमोस्ट कुछ 100 या 200 मीटर्स रहेगा बाकी, अभी तक तो चल रहे हाँ जल्दी पहुंच जाएंगे जितना सोचा था उतना। अभी तुंगनाथ टेंपल जाके देखते कि आगे क्या कर सकते, चंद्रशिला तो जाना है हमको। अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बर्फ काफी लोग एंजॉय कर रहे हैं उसका। एक्चुअली क्या हुआ था यहाँ पे सीधा रास्ता भी है जो कि थोड़ा सा लेंथ वाइज बड़ा है, बीच बीच में आप
थोड़े अल्टरनेटिव्स ले सकते, अल्टरनेटिव्स पर बर्फ था उसकी वजह से मेरे को थोड़ा टाइम लग गया उसको क्रॉस करने का, बाकी तो सही था। बाकी अभी पहुँचने वाले यहाँ से, आप देख सकते कि नहीं जो यहाँ पे जो टीप दिख रहा है ये वाला, यहाँ पे है तुंगनाथ टेम्पल, तो वहाँ तक हमें अभी ट्रैवल करना है। और उसके ऊपर होगा चंद्रशिला पीक। तो चलिए तुंगनाथ पहुँचते फिर बात करते हैं बाकी, फिर से थोड़ा एग्जॉस्ट हो गया हूँ और ठंड भी थोड़ा लग रहा है, तो जबान थोड़ा वक्त हो रहा है। सीनरी का कोई कमी नहीं है, बर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा रास्ते में बर्फ है भाई। और एक साइड बर्फ वाला माउंटेन है और एक साइड ये चीज है, कहीं पे भी बोर नहीं होगे, आप चलते रहो सीनरी देखते रहो। आसपास अभी ऑलमोस्ट बज रहे पौने तीन, मेरे पार्टनर्स आ रहे पीछे से थोड़ा आगे आ गया, तो आप जैसे कि देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे तुंगनाथ टेम्पल, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आए। अगर क्राउड का बात करेंगे तो क्राउड वाइज ऑलमोस्ट है अच्छा खासा क्राउड है, और बाकी जो ट्रैक था उसको अगर डिवाइड करना होगा मेरे को डिफ़िकल्टी लेवल में, तो हाँ अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो आपका थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी जनरल से कम है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, बाकी आप रुकिए आप थोड़ा आराम कीजिए, आप यहाँ पे व्यूज़ को एंजॉय करिए साथ ही साथ में, तो फिर तुम आराम से अपना ट्रैक को पूरा कीजिए, आप डेफिनेटली यहाँ पे आ जाएंगे। अदरवाइज अभी थोड़ा देर पहले मैंने स्टार्ट किया था चंद्रशिला के लिए चढ़ना, तो आप देख सकते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे है, ठीक है। और अभी ऐसा हो गया मैंने एटलीस्ट बहुत बड़ा ट्रैक कर लिया ऑलरेडी, और अभी सिचुएशन ऐसा है कि दिमाग ऑलमोस्ट ना कर रहा है, बट दिल नहीं मान रही, दिल को सिर्फ वो चीज़ दिख रही है। अभी शाम के 4 बजे और 3-3:15 के आसपास में वो तुंगनाथ टेम्पल यहाँ पे था, तब से मैं ट्रैक कर रहा हूँ। अभी हमारे ग्रुप में से सब लोग तो नहीं आए थे ऊपर, कुछ लोग आए थे, तो कुछ लोग शायद से दूसरा रूट में, मैं अकेला इस रूट में जा रहा हूँ, तो अभी उनको भी अगर मेरे को मिलना है तो मेरे को चंद्रशिला पे तो जाना ही है, तो मैंने रेस्ट कर लिया थोड़ा, हार्ट बीट थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था ना, मैं कह नहीं पाए एटलीस्ट
ट्रिपॉड लगाने का भी घंटा लगा रहा था, तो इसके लिए डायरेक्टली हाथ में फोन पकड़ के शूट करा। और चलिए आप जल्द शिलांग में मिलते हैं, होपफुली आई विल बी मेकिंग इट। लास्ट का पैच में चल रहा हूँ और अभी मेरे को थकावट नहीं महसूस हो रहा है, क्योंकि ये फीलिंग ही अलग आ रही है मेरे को फिलहाल। कंप्लीशन, फीलिंग ऑफ कंप्लीशन। अब ये व्यू है, आप इसे दिखा रहा हूँ मैं क्या देख पा रहा हूँ। इसके आगे दोस्तों सब कुछ कर सकते हैं इसके लिए। चलिए सबमिट कर लेते हैं फाइनली यहाँ पे आगे। इस पीक पे खड़े रहके जोर से चिल्लाने का दिल कर रहा है। रूट मैं कहूंगा इजी है, बट आपको थोड़ा फिजिकल एक्टिव होना पड़ेगा। जहाँ पे बैठा हूँ एक मोस्ट सेटिस्फाइंग जगह है, मेरा फोन इतना जस्टिस नहीं कर रहा है। मैं क्या देख पा रहा हूँ आप मेरा फीलिंग को समझ पाए इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। नीचे मुझे एटलीस्ट 100-150-200 बार ऐसा लगा रहेगा लिटरली कि क्यों क्यों करना है, क्यों जाना है, गिव अप कर देते हैं। लेकिन ये करने के बाद में जो आपको लगता है वो अलग लेवल का चीज़ है। तो आप डेफिनेटली यूरोप में कीजिए, सेम इंजॉय करता हूँ यहाँ पे।